जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण बहुत सी बातें आपके घर के अंदर होती हो तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो किचन है, जो रसोई है, वही काम आ जाएगा, वही आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता कैसे है घर में। घर में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले शख्स को गुस्सा बहुत आता है, तो आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन रहा है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में कोई न कोई बीमार रहने लगता है, तो आप समझ जाइए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। आपको ठीक से नींद नहीं आती है, जिसका असर आपके व्यक्तित्व पर होता है और अभिव्यक्ति पर होता है। आप ढंग से बातें नहीं बता पाते, परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दे पाते, तो समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में सफाई कम होने लगती है और गंदगी ज्यादा बढ़ने लगती है। घर में कोई ना कोई उपकरण आपका खराब भी रहता है, तो आप समझ जाइए कि यदि कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम खराब रहता है, लगातार खराब ही रहता है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। घर में रहने वालों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहते, तो समझ जाइए कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और नकारात्मक असर के कारण ही हो रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें बताती है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा फैली हुई है। अब क्या करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा फैली तो कैसे मिटाएंगे उसको? एक छोटा सा उपाय है जिससे आपको पता भी चल जाएगा और मिट भी जाएगी। क्या करना, एक साफ कांच की गिलास लेनी है। साफ कांच की गिलास लेके उसमें थोड़ा पानी भरना है। पानी भर करके उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और नमक डालने के बाद में उसमें एक नींबू डालना है। नींबू डाल दीजिए। नींबू डाल के उसे ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ आप अधिक से अधिक टाइम जहाँ बिताते हैं। अब क्या करना है, उस गिलास को आपको देखना है। देखिए, पानी एकदम पूरा ऊपर तक हो जाना चाहिए। अब यदि उसमें से पानी गिरता है तो आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है और वो निकल रही है। अगर गिर जाए तो आप उस गिलास को धोकर के साफ करके पुनः दूसरी बार फिर से वैसा ही करें जैसा आपने पहले किया है। ऐसा दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे एक ही दिन में ना, तो घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आप इस गिलास को उठा करके दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ कम है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ रखिए, वहाँ से निकल जाएगी। तो एक कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों।